आज के वीडियो में जो एक ज्वलंत मुद्दा है भारत के संवैधानिक स्थिति में और राजनीतिक स्थिति में, कि जो वर्तमान सरकार है उसने एक नया प्रस्ताव लाया है और उस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कदम भी बढ़ा रही है। जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव अर्थात वन नेशन वन इलेक्शन, इसका अर्थ यह है कि जो वर्तमान सरकार है आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं वो साथ कराना चाहती है। इसमें कई समस्याएं आएंगी। पहली समस्या तो ये है कि जैसे इसमें जो तत्कालीन विधानसभाएं हैं जिनका कार्यकाल लोकसभा के साथ पूरा हो जाएगा उनके साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पूरे नहीं है उन्हें भंग करना पड़ेगा या उनमें राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों ही परिस्थितियां एक असंसदीय व्यवस्था की ओर इंगित करती हैं। और इसमें एक समस्या ये भी है कि जो राज्य विधानसभाएं और जो केंद्र सरकार में जो सरकारें होती हैं वो सरकारें बहुमत पर आधारित चलती हैं, और बहुमत पर आधारित होने के कारण उन सरकारों को एकदम से नहीं गिराया जा सकता। अगर इन सरकारों को गिराया जाएगा या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो एक अलोकतांत्रिक स्थिति होगी। और साथ ही साथ अगर मध्यावधि चुनाव अगर हो जाता है, अगर सरकार स्थिर सरकार कोई बनती है, मध्यावधि चुनाव हो जाता है ये व्यवस्था लागू होने के बाद भी, तो दल बदल की जो कुप्रथा है उसके कारण विधायक और एमपी दल बदल करते रहते हैं और करेंगे भी, जिससे मध्यावधि चुनाव फिर हो सकता है या स्थिर सरकार नहीं बन सकती है। और इसमें जो एकमात्र इसमें जो विकल्प बताया जाता है वो इसका विकल्प ये है कि राष्ट्रपति प्रणाली को लागू किया जाए, और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति प्रणाली की तर्ज पर राज्यों में राज्यपाल शासन की प्रणाली को लागू किया जाए। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली और राज्यपाल शासन प्रणाली जो राज्य के विधानमंडल में लागू की जाएगी, राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो संघ सरकार में लागू की जाएगी, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वह व्यक्ति भी पद पर बना रह सकता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है जिसने सदन में विश्वास मत नहीं पाया हो या जिसकी सरकार अल्पमत में हो, लेकिन वो इस कानून की वजह से अपनी सरकार को 5 साल तक चला लेगा और यह एक अलोकतांत्रिक स्थिति होगी और इससे जो लोकतंत्र का सार है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, जो राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की बात की जा रही है अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी सही नहीं है। इसमें राष्ट्रपति प्रणाली में ऐसा होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है अमेरिका की तरह, और जो राज्यपाल है या गवर्नर है अमेरिका की तरह वो भी जनता के द्वारा चुने जाएंगे। इसमें जो प्रधानमंत्री एक प्रकार से राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक प्रणाली के रूप में ही शासन करेगा। अगर भारत में राष्ट्रपति प्रणाली लागू की जाएगी तो उसे अमेरिका की तर्ज पर लागू की जाएगी, जो बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, उससे पहले राष्ट्रपति को हटाना लगभग असंभव है, और आज तक अमेरिकी इतिहास में अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। राष्ट्रपति अपने पद पर 4 साल तक बना रहता है, राष्ट्रपति के ना रहने पर एक वैकल्पिक व्यक्ति अर्थात उपराष्ट्रपति उस पद पर आसीन हो जाता है और बचा हुआ कार्यकाल पूरा करता है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर नया व्यक्ति मनोनीत किया जाता है, बहुमत दल का नेता जो प्रधानमंत्री के आय के कार्य को देखेगा प्रधानमंत्री पद के रूप में। और इस संबंध में कई समितियों ने और कई व्यक्तियों ने जो राजनीतिक विश्लेषक उन्होंने इस संबंध में अपनी भी राय दी है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर राष्ट्रपति प्रणाली भारत में लागू होती है तो ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री पद या मुख्यमंत्री पद का आनंद ले सकता है जिसने सदन में बहुमत प्राप्त नहीं किया है, और इसमें कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। अब जैसे इसमें एक बात ये आती है कि एक वैकल्पिक सरकार प्रस्तुत की जाए, अगर 5 साल की कोई सरकार है भारत में केंद्र में या राज्य में, अगर वो सरकार गिरती है अल्पमत में आ जाती है या सदन का विश्वास खो देती है, तो उसके विकल्प में रूप में अगर कोई दल या दलीय गठबंधन ये दावा करता है कि हम सरकार बनाएंगे तो बात सही है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के बाद यह सरकार गिराई जाती है और दूसरी सरकार बनाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इसलिए ऐसा कानून बनाना आवश्यक है जर्मनी के संविधान की तरह कि जिससे एक वैकल्पिक व्यक्ति पद पर आसीन हो सके या वैकल्पिक सरकार बन सके, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव के साथ एक वैकल्पिक सरकार बनाने का, स्थिर सरकार बनाने का भी प्रस्ताव लाया जाए। अगर कोई दल या दलीय गठबंधन ऐसा नहीं कर पाता है तो वह संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध होगा, क्योंकि भारत में जो राजनीतिक नैतिक चरित्र है वो काफी पतित हो गया है, और जो दल के विधायक है या दल के सांसद हैं वो अपने निजी हित या पार्टी हित या अपने
कुछ भी हित के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और केवल ये दुहाई देते हैं कि हम जनता के हित के लिए हमने ये कदम उठाया है। और इसमें ये भी है कि जो वैकल्पिक सरकार अगर कोई व्यक्ति बनाएगा तो इस बात की भी संभावना रहेगी कि वैकल्पिक सरकार वो पुनः फिर गिर जाए, फिर तब क्या होगा। तो ऐसी समस्याएं जो एक राष्ट्र और एक चुनाव के संबंध में आती हैं वो आती ही रहेंगी। इसलिए ये बताया जाता है कि जो राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की बात की जा रही है वो बिल्कुल अव्यावहारिक है, अर्थात भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिए वो उचित नहीं है, और इससे जो तानाशाही है उसकी व्यवस्था को बल मिलेगा, और जो शक्तियां हैं जो राजनीतिक और प्रशासनिक जितनी शक्तियां हैं वो केवल एक व्यक्ति में ही निहित हो जाएंगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और भारत जैसे विविधता वाले देश में जिसमें कई धर्म जाति नस्ल वाले व्यक्ति भाषाई व्यक्ति रहते हैं, ऐसे देश में करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। और राष्ट्रपति प्रणाली को लागू करने के जो संविधान में संशोधन किए जाएंगे वो भी संशोधन बहुत दुष्कर कार्य है। संविधान में संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की राय या उनका विश्वास या उनका पक्ष होना आवश्यक है कि आधे से अधिक जो विधानमंडल है वो इसके पक्ष में मतदान करें, और साथ ही साथ जो संसद में दोनों सदन है उनके विशेष बहुमत के द्वारा ये संवैधानिक संशोधन किए जाए। जो संवैधानिक संशोधन करने की बात की जा रही है उसमें जो कार्यपालिका संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक उसमें संशोधन करने की बात की जा रही है। इसके अलावा अध्याय 3 में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं और राज्य अध्याय है, इसके अलावा कार्यपालिका के अनुच्छेद है अनुच्छेद 153 से 167 इनमें संशोधन करने की बात की जा रही है या ऐसा बताया जा रहा है कि संशोधन में हो सकता है। और इसके अलावा जो राज्यपाल की विधायी शक्ति है उसमें भी संशोधन करने की बात की जा रही है। राज्यपाल किसी भी राज्य का एक प्रमुख व्यक्ति होता है, भले उसके हाथ में कार्यकारी शक्तियां ना हो लेकिन उसमें संशोधन करना राज्यपाल के पद में उसके अनुच्छेद संशोधन करना बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। अगर संशोधन कर भी दिया जाएगा तो राज्यपाल ये समझेगा कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, भले मुख्यमंत्री जनता के से चुन के आए जबकि राज्यपाल मनोनीत किया जाता है। इसलिए भारत में जो संविधान निर्माता थे उन्होंने राष्ट्रपति या राज्यपाल को सीधे जनता से चुनने की बात नहीं कही, केवल मनोनीत करने की बात कही। अगर ये प्रावधान शामिल कर लिए जाते हैं संशोधन सहित तो इसमें बहुत ही समस्याएं होंगी। पहली बात यह है कि जो भारत में वर्तमान सरकार है उसके पास इतना बहुमत नहीं है दो तिहाई दोनों सदनों में कि वो संशोधन कर सके। और इसके अलावा जो भारतीय संविधान निर्माता थे उन्होंने संसद प्रणाली को इसलिए अपनाया कि भारत विविधता वाला देश है हर मामले में, और राष्ट्रपति प्रणाली को नहीं अपनाया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया वो इसलिए अपनाया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बहुवासी या बहुनस्लीय देश नहीं है, उसमें लगभग एक ही धर्म है ईसाई धर्म है और एक ही नस्ल है, वो बात अलग है। कुछ लोग बाहर से आके बस गए अंग्रेजों या फ्रांसी या पुर्तगालियों के उनके गुलामों के रूप में या अन्य किसी कारणों के रूप में, लेकिन फिर भी अमेरिका ज्यादा बहुलतापूर्ण देश नहीं है। तो अमेरिका जैसे संघीय देश के लिए राष्ट्रपति जो प्रणाली है वो उपयुक्त है और भारत के लिए नहीं है। अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति प्रणाली है वहाँ जो निचले स्तर के चुनाव होते हैं नगर पालिका हुआ या अन्य चुनाव हुए तो वहाँ राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, राष्ट्रपति प्रणाली किसी प्रकार की हो, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि भारत में ऐसा फर्क जरूर पड़ेगा क्योंकि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था हो गई है जो चुनाव व्यवस्था इस प्रकार हो गई है कि जो चुनाव होते हैं लोकसभा में उसी तर्ज पे लड़े जाते हैं साथ ही साथ जो निचले स्तर की जो सदन है जैसे पंचायत है और नगर पालिका उसमें चुनाव भी विधानसभा और लोकसभा की तर्ज पे ही लड़े जाते हैं, और जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता हैं वो भी आजकल निचले स्तर के चुनाव में कूदने लगे हैं। तो इसलिए जो भारतीय संविधान निर्माता है उन्होंने ये विचार किया राष्ट्रपति शासन अगर राष्ट्रपति प्रणाली को अगर भारत में लागू किया जाएगा तो उसमें समस्या ये होगी कि जो राष्ट्रपति होगा वो संघ से लेकर अर्थात केंद्र से लेकर राज्य और नगर पालिका जो निचले स्तर के चुनाव उनको प्रभावित जरूर करेगा, जबकि भारत में त्रिस्तरीय जो शासन प्रणाली है एक संघ स्तर की एक राज्य स्तर की और तीसरी जो स्थानीय स्वशासन जो निकाय है उस स्तर की। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति प्रणाली या राष्ट्रपति शासन या एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति प्रणाली को लागू करने की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल अव्यावहारिक बात मानी जा रही है। और राष्ट्रपति प्रणाली को एक राष्ट्र एक चुनाव
के संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने की जो बात राजनीतिक विश्लेषक या आलोचक बता रहे हैं, उसमें एक समस्या ये भी है कि जो राष्ट्रपति प्रणाली है जो भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या आधारिक संरचना संसदीय लोकतंत्र है, और इसे न्यायालय ने अर्थात सर्वोच्च न्यायालय अपने कई निर्णयों में बताया भी है, और इसे संविधान की मूल संरचना भी बताया गया है, और इसमें छेड़छाड़ करना लगभग असंभव है। अगर इसमें छेड़छाड़ होगी, मूल संरचना में छेड़छाड़ होगी, तो सर्वोच्च न्यायालय इसे अवैध घोषित कर देगा। और इसके पीछे ये भी कारण ये बताया जा रहा है कि जो वर्तमान में सत्तारूढ़ दल है, ऐसा सुनने में आ रहा है, आगे भविष्य में क्या होता है क्या नहीं वो बात अलग है, कि जो 5 राज्य हैं उनमें चुनाव होने वाले हैं अप्रैल मई के आसपास 2024 में, और वर्तमान सत्तारूढ़ दल है उसे ऐसा लगता है कि अधिकांश राज्यों में वर्तमान सत्तारूढ़ दल हार जाएगा, इसलिए वह चाहता है कि जो चुनाव हो केंद्र सरकार के जो विकास कार्य हैं उनके आधार पर हो, उनका ही जनता में प्रचार हो, जो क्षेत्रीय दल हैं क्षेत्रीय दलों ने राज्यों में विकास कार्य किए हैं उनकी अनदेखी हो जाए। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा मतलब जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें ऐसा लोग बताते हैं। अब इसमें ये कहा गया है कि जो कुछ राज्य हैं इनमें चुनावों को अप्रैल मई 2024 तक स्थगित करने के भी संवैधानिक मुद्दे शामिल होंगे जिनमें चुनाव होने वाले हैं 5 या 4 या 6 राज्यों में। इसके अलावा जैसे उदाहरण के लिए अगर अनुच्छेद 172(1) को लिया जाए तो उसमें ये बताया गया है कि राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होगा, और साथ ही साथ संविधान में ये भी बताया गया है कि जो विधानसभा का जो कार्यकाल अगर बढ़ाया जाएगा वो विषम परिस्थितियों में ही बढ़ाया जाएगा, जैसा पंजाब में जब खालिस्तान आतंकवादी आंदोलन था और कश्मीर में जो मुस्लिम उग्रवादी जो उन्होंने अराजकता बरपाई थी उसके आधार पर वहां की विधानसभा का कार्यकाल समय समय पर काफी अधिक बढ़ाया गया। लेकिन वो विपरीत परिस्थितियां होती है, गंभीर परिस्थितियां होती है, लेकिन इस समय ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, केवल एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए ही विधानसभाओं को भंग किया जाए या उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए बिल्कुल असंवैधानिक होगा। इसके अलावा इसमें जो सत्ताधारी दल, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक और आलोचक बताते हैं कि सत्ताधारी दल ये भी चाह रहा होगा कि संविधान का जो अनुच्छेद 356 है उसके तहत शक्तियों का प्रयोग किया जाए और जो 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन ये भी बिल्कुल असंवैधानिक होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बिना ठोस कारण के या बिना संवैधानिक उल्लंघन के या संविधान को जिस राज्य में लागू करने में दिक्कत हो रही हो तभी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, अन्यथा किसी कारण से नहीं लगाया जाएगा। और इसके अलावा सरकार ये भी चाह रही है कि किसी प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव हैं उनको स्थगित कर लिया जाए और हम इन राज्यों में जीत के साथ वापस आएं, और जो राज्यों के चुनाव बीच में होने हैं उनमें हम हार के साथ लोकसभा चुनाव में ना जाएं। और इसके अलावा इसमें ये बताया जाता है कि जो राष्ट्रपति जो शासन प्रणाली है वो शासन प्रणाली मुख्य रूप से अगर लागू की जाती है तो इससे तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा, और इसमें केवल पार्टियों के आधार पर चुनाव नहीं होगा, इसमें चुनाव केवल होगा केवल व्यक्ति के आधार पर ही चुनाव होगा। जैसे अमेरिका में जो दो ही पार्टियां हैं रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके प्रत्याशी खड़े होते हैं और जनता सीधे उनको ही चुनती है, अर्थात जनता पार्टी को तो वोट देती है लेकिन वो व्यक्ति के आधार पर ही वोट देती है, जबकि भारत में ऐसा करना असंवैधानिक होगा क्योंकि जनता की इच्छा पर ही लोग चुनकर जाते हैं। अगर जनता किसी व्यक्ति विशेष को ही वोट देगी तो जो भारत की जो संसदीय प्रणाली में जो क्षेत्रीय दल उनकी भूमिका समाप्त हो जाएगी, केवल द्विदलीय प्रणाली रह जाएगी, बाद में धीरे धीरे ऐसा होगा केवल एक ही दल रहेगा और बचे हुए दल केवल नाम मात्र के लिए ही अपने ही क्षेत्रों में सिमट कर रह जाएंगे, ऐसा जो राजनीतिक आलोचक बताते हैं। लेकिन इसकी संभावना क्या है क्या नहीं वो आगे पता लगेगा। और फिलहाल जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है उसके लिए पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, वो समिति इस मुद्दे पर अध्ययन कर रही है, संवैधानिक विशेषज्ञों की राय ले रही है, और उस समिति बाद में क्या रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट के आधार पर चुनाव को किस प्रकार लागू किया जाए, कौन से संवैधानिक संशोधन किए जाए और उन संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक माने और उन संशोधनों को कितना माने, और इसके अलावा उन संशोधनों को निरस्त करती है उनकी निरस्त नहीं करती है, और संशोधनों को किस प्रकार लागू किया जाए, कई प्रकार की बाध्यताएं होंगी और कई प्रकार की मुश्किलें होंगी। तो ये तो हुआ वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में उसकी आलोचनात्मक समीक्षा।